नमस्ते, मेरा नाम है स्वाति और आप देख रहे हैं दी लल्लनटॉप, उत्तर प्रदेश का उन्नाव। 4 दिसंबर की तारीख, एक 24 साल की लड़की, 5 आदमी, गांव के बाहर का एक खेत जहां लड़की को घसीट कर जबरन ले जाया गया। यहीं खेत में उसके ऊपर पेट्रोल छिड़का गया और आग लगा दी गई। जिस लड़की को जिंदा जलाने की कोशिश हुई, दिसंबर 2018 में उसके साथ गैंगरेप हुआ था। मार्च 2019 में पुलिस ने इस गैंगरेप की शिकायत भी दर्ज की थी। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को पकड़ा है। इनमें से एक का नाम है शुभम त्रिवेदी। दिसंबर 2018 में लड़की ने अपने साथ हुए जिस गैंगरेप की बात बताई है, उसमें शुभम भी एक आरोपी है। उन्नाव में बिहार थाना क्षेत्र है, इसका एक गांव है भाटनखेड़ा, यहीं की वारदात है ये। लड़की पैदल अपने गांव से रेलवे स्टेशन जा रही थी, उसे रायबरेली के लिए ट्रेन पकड़नी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां स्थानीय कोर्ट में तारीख थी उस रेप केस की, जिसकी शिकायत लड़की ने मार्च में दर्ज करवाई थी। रास्ते में 5 लोगों ने उसे पकड़ा, फिर उसे पकड़कर गाँव के बाहर एक खेत में ले गए और पेट्रोल छिड़क कर उसके शरीर में आग लगा दी। गांव के ही किसी शख्स ने 100 नंबर पर फ़ोन करके पुलिस को इस वारदात की खबर दी। जब पुलिस उस खेत में पहुंची, तब तक लड़की का शरीर आग से बेहद ज़ख्मी हो चुका था, आरोपी भाग चुके थे। पुलिस ने लड़की को पास के ही जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया, वहां से उसे लखनऊ अस्पताल के लिए रेफ़र कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि लड़की 65 से 70% तक जल गई है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता ने उन्हें 5 लोगों का नाम बताया है और पुलिस ने इन 5ों को पकड़ लिया है। पहले 3 लोग पकड़े गए थे और बाद में बाकी 2 को भी पकड़ लिया गया। मार्च 2019 में लड़की ने उन्नाव के बिहार थाने में जो FIR लिखवाई, उसमें 2 लोगों के नाम थे, शिवम त्रिवेदी और शुभम त्रिवेदी। FIR के मुताबिक लड़की और आरोपी एक ही गांव के रहने वाले हैं। कहा गया कि शिवम ने लड़की को फुसलाया और उसे अपने साथ रायबरेली ले गया, वहां लड़की का रेप किया, रेप का वीडियो बनाया और फिर उस वीडियो को पब्लिक कर देने की धमकी देकर लड़की के साथ बार बार बलात्कार करता रहा। लड़की उससे शादी करने को कहने लगी, आरोपी उसे फिर से रायबरेली ले आया, यहाँ किराए पर एक कमरा लेकर उसने लड़की को वहाँ रखा। FIR के मुताबिक आरोपी उसे कमरे के बाहर नहीं जाने देता था, बाहर निकलने पर जान से मारने की धमकी देता था। शिकायत के मुताबिक आरोपी कई शहरों में लेकर गया उसे, लगातार उसके साथ रेप करता रहा। लड़की शादी के लिए दबाव बनाने लगी। इस पर 19 जनवरी 2018 को आरोपी ने रायबरेली के सिविल कोर्ट में शादी का एक करारनामा बनवाया। इसके बाद भी करीब 1 महीने तक उसने लड़की को रायबरेली में ही रखा, फिर उसे उसके गांव जाकर छोड़ दिया। उसने शादी करने से भी फिर इनकार कर दिया। लड़की ने FIR में लिखवाया था कि आरोपी उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देता था। डरकर लड़की अपनी बुआ के घर चली गई, वहीं रहने लगी और आरोपी ने किसी तरह से उसकी बुआ के घर का पता भी मालूम कर लिया और 12 दिसंबर 2018 को अपने एक दोस्त शुभम के साथ वहां पहुंचा। आरोपी ने लड़की से कहा कि वो मामला सुलझाना चाहता है, मंदिर चलने को कहा और फिर मंदिर ले चलने के बहाने वो लड़की को उसकी बुआ के घर से बाहर लाया। FIR के मुताबिक आरोपी और उसका दोस्त मिलकर लड़की को जबरन खेतों में ले गए, वहां दोनों ने असलहा दिखाकर उसके साथ बलात्कार किया। लड़की ने लौटकर पूरी बात अपनी बुआ को बताई। इनका आरोप है कि सबसे पहले ये लालगंज थाना में शिकायत लिखवाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वहां पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर 20 दिसंबर 2018 को लड़की ने रजिस्टर्ड चिट्ठी भेजकर रायबरेली के पुलिस अधीक्षक को अपने साथ हुए अपराध की शिकायत की, मगर फिर भी कार्रवाई नहीं की गई। उन्नाव में लिखवाई गई इस FIR के बाद, जो कि मार्च में 4 तारीख को लिखी गई थी, इसके बाद लालगंज थाने में भी FIR लिखी गई 5 मार्च 2019 को। उन्नाव थाने वाली रिपोर्ट में 12 दिसंबर 2018 को हुए गैंगरेप की शिकायत थी, वहीं लालगंज थाने वाली रिपोर्ट में जनवरी 2018 से दिसंबर 2018 के बीच हुए बार बार हुए रेप का जिक्र है। रेप के दोनों आरोपियों में से एक को पुलिस ने अरेस्ट किया, वो बाद में जमानत पर हाल ही में छूटा। दूसरा आरोपी गिरफ्तार नहीं किया गया था, ऐसा खबरों में बताया जा रहा है।